कृषि उपज मंडी डबरा में किसानों को धान की फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने विरोध जताया है। वहीं किसानों ने इसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन को ठहराते हुए व्यापारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। मामला कृषि उपज मंडी डबरा का है, जहां पर किसानों से धान की फसल बहुत ही कम भाव में खरीदी जा रही है। किसानों को धान की फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही किसानों ने मंडी प्रशासन पर व्यापारियों से साठगांठ का आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि मंडी कर्मचारी फसलों के दाम लगाते समय मौके पर उपस्थित ही नहीं होते और केवल व्यापारी आकर आपस में मिलीभगत कर फसलों को कम दाम पर खरीद लेते हैं। सैंपल लेके जाते हैं, मैंने कह दी 2500, क्या आपकी धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा? 100 रुपये महंगी ले ली, उसमें फिर आगे मलार लगा दी कांटे पे। मलार क्या होता है? मलार मतलब रोक देते हैं कि मैं तो 50 कम में लूंगा, तो डाला खुल गया, समेटेंगे भरेंगे, चलो बेच देते हैं। परेशानी बहुत परेशानी है किसान की। तो क्या उचित मूल्य मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 3500-3600 रुपये मूल्य। नहीं मिल रहा है? मनमाने सरकार मनमानी अपने कर रहे हैं। मोदी जिले के शिवराज सिंह कह रहे हैं किसानों की दोगुनी आय करेंगे। कभी नहीं हुई, ना हो पाएगी। जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी, किसानों का यही हाल ही रहेगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी है मंडी की? सबसे खराब। यहाँ डाक होती है? नहीं होती। तो कैसे माल? सैंपल से ले लेते हैं व्यापारी, मर्जी हम मलार लगा देते हैं, मर्जी कुछ भी करते हैं। मलार का क्या मतलब? मलार जैसे कम कर देते हैं, वहाँ 2500 ले लिए, अभी अब जोखेंगे सब भी सब पैसे। मनमाने भाव हैं और मनमाना ही यहाँ अध्यक्ष है, जो वो मनमाना ही है। मंडी अध्यक्ष भी खराब है, कभी तक मंडी में आता ही नहीं है, ना देखता ही है। IDM साहब ने चक्कर लगा दी, कोई प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस नहीं आती। हम रात को आए डले हुए हैं। आपके खाने पीने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, अपने ले आओ खा लो, पानी भी नहीं हमें मिलता, पानी घर से लाए। जब इस विषय पर हमारे संवाददाता ने मंडी प्रशासक अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा से बात की तो अधिकारी गोलमाल जवाब देते नजर आए और दोषी व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात भी नहीं की गई। ये समस्या पहली बार की समस्या नहीं है, ये समस्या हर वर्ष इस तरह की स्थिति आती है। उसमें कोशिश ये होती है कि जैसे हम उसको पिछली बार हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, लेकिन अंततः अब जब किसान और दोनों व्यापारी सहमत होता है इस चीज़ में, तो फिर ऐसे में कोई चीज़ में जब दोनों सहमत होते हैं, ऐसे में घटनाएँ आती है कि भाई कैसे रेगुलेट होगा। हमने बोली लगाने की भी कोशिश की और ये कोशिश भी की, तो इस तरह की व्यवस्था बन जाती है कि वो बोली पसंद न करके वो इसी सिस्टम को पसंद करते। तो सर क्यों घाटा होगा मंडी का? तो उसे करना ही होगा मंडी को। देखो ये महत्वपूर्ण विषय किसान के हितों का संरक्षण करना है, इसमें इस विषय में मंडी का घाटा नहीं होता, क्योंकि मंडी की रसीद कटेगी। अमूमन देखने में ऐसा नहीं कटती है। नहीं क्या है, जब उसे और कुछ गतिविधि करनी होगी तो बिना उसके एक नंबर का रसीद बन ही नहीं सकती। जब तक कि वो बाहर जाना होगा माल, जब तक वो रसीद नहीं कटाएगा मंडी की, मंडी टैक्स नहीं देगा, तब तक वो होगी नहीं। गौरतलब है कि किसान की परेशानी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किसान खाद की कमी से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं कृषि उपज मंडी में किसानों को अपनी धान की फसल का उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, डबरा।